अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मस्जिद मक्की में पीस फेडरेशन की जानिब से मस्जिद मक्की के सदारत में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसे आपका भी तारुफ हुआ, लेकिन आप सब पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि हम ज़्यादा इंटरव्यूज़ या न करें या सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें। अंदरूनी काम अलहमदिल्ला बहुत चला, 1.5 साल 2 साल से चला, अभी भी आगे इंशाल्लाह अंदरूनी चलेगा। लेकिन आपके इल्म में ये बात डालने की है कि पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है। अभी पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया अलहमदिल्ला पिछले साल रजिस्टर हो गया तो अभी हम बिल्कुल ऑफिशियल काम करें, बिल्कुल हर काम। पिछले महीने 16 फरवरी को मराकीज़ निस्वा डिवाइन स्कूल के बाजू में अपने ऑफिस के पास मराकीज़ निस्वा बड़े लेडीज़ का मतलब जो बाली औरतें हैं उनका मराकीज़ निस्वा उनका मदरसा चालू हुआ 2 साल का, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। अलहमदिल्ला उसका एक महीना हो गया, उसका अब आगे टच भी होगा। 20 लोगों की तादाद का हम सोचे थे, इंशाल्लाह उतने तो नहीं लेकिन 10-12 एडमिशन हो गए जो बिल्कुल पाबंदी से आ रहे हैं। हमारे काजिम मुल साहब, हमारे सोहेल खान, हमारे लतीफ़ मुल साहब, हमारे ज़ुबैर भाई सब इसमें बहुत हिस्सा ले रहे, बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे। आप सभी से भी गुजारिश है कि आप सभी जितना भी ये वीडियो शेयर हो रहा आप सभी भी पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया में जुड़ने की कोशिश करें। अस्सलाम। अब तीसरे नंबर की कामयाबी यानी जो 18 दिन में कम से कम 10 दिन की तो फजर की नमाज पढ़े हैं उनको तीसरे नंबर का प्राइज तीसरा इनाम दिया जाएगा। शेख फरहान वो आए अपना इनाम हासिल कर, ये बहुत कामयाबी की बात है। मैं आपको मुजाकिरे के तौर पर चंद बातें सुनाया। मोहम्मद शेख फरहान, शेख असद, शेख अरशद, अब्दुल रहमान, किसी आदमी बिलगेट्स के साथ मोहम्मद अबूबकर अंसारी, मोहम्मद सुभान, शेख इकबाल, ये 10 बच्चे हैं जो 10 दिन की मुकम्मल पाबंदी किए हैं। ये अफजलुल्ला खान है, अच्छा आपके भाई कैफुल्ला है, ये बच्चा बड़े सिर्फ 1 दिन छुट्टी मारे हैं, 18 दिन में 1 दिन या 2 दिन छुट्टी मारे हैं, वैसे बच्चों का नाम लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि 1 दिन भी नहीं होती, शायद होती थी शायद छुट्टी। एक बच्चा इसमें से अब्दुल वाजिद अब्दुल वदूद है जो नई कमान में मेरे से उसकी मुलाकात हुई तो मैं उसको बोला था कि ऐसा मुकाबला चल रहा है, फिर वो साहब नहीं मालूम था, जस्ट दूसरे दिन आ गया, शायद पहले दिन मालूम होता तो वो भी छुट्टी नहीं मारते थे, मगर नहीं मालूम होना भी उनको सेकंड नंबर पर आया है। इसी वजह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अच्छी खबरों को खूब फैला और बुरी खबरों को खूब कम कर देते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगा। जो 1 दिन या 2 दिन छुट्टी मारे हैं, शेख शया सेकंड को देते जी, वो आए तैयार हासिल कर दिया, फोर्थ को दिया मैंने, फिर थर्ड को दिया है, फिर उसको मतलब थर्ड लिया मैंने। शेख शया, अब मैं मस्जिद के जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से इन कामयाब तलबा को नामाज से नवाजें। मोहम्मद बरकात। अभी एक साथी ने सवाल किया कि पीस फेडरेशन क्या है, इसके बारे में मैं मुख्तसर सा तारुफ कर रहा हूँ। ये हमारे इस महल्ला रो तालीम की और मक्की मस्जिद के अतराफ के महल्ले के नौजवानों की एक टीम का नाम है जिस जो पीस फेडरेशन के नाम से चलाया जा रहा है। इसके इस प्लेटफॉर्म से हम खिदमत खल्क और तालीमी बेदारी और दीनी बेदारी लाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। अब खिदमत खल्क के उनवान से बहुत से मरतबा गुरबा में राशन किट्स और फिर
खाने के पाकिट बनाकर गुरबा में तकसीम किए गए, कभी सरकारी हॉस्पिटल के और कभी फुटपाथ पर सोने वालों में तकसीम किए गए। खिदमत खल्क के उनवान से ये काम चल रहे हैं और साथ साथ ये गरीब बच्चियों की शादी में भी और जुज़वी इमदाद भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ तालीमी मियार और दीनी तालीम और दीन के एतबार को बढ़ाने के लिए हमारे इस महल्ले से बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, जिसमें 10 सूरों का प्रोग्राम चलाया गया और नमाज फजर की पाबंदी का प्रोग्राम चलाया गया, और इसी के साथ साथ में ख़वातीन के इस्तेमात और फिर मुसलसल ख़वातीन की तालीम यानी मराकिद निस्वां के उनवान से बड़ी ख़वातीन के लिए तालीमी निदाम चलाया जा रहा है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैगाम आम हो रहा है। और वक्त की अशद ज़रूरत है कि अपने अपने ख़वातीन को दीनदार बनाएं, उनको तालीम से आरास्ता करें ताकि उनके ज़रिए से घर बने, घर के ज़रिए से ख़ानदान बने और माशरा उससे तश्कील में आ जाए। और इसी के साथ साथ में मकतब और फिर साथ साथ में दी असरी स्कूलों के अंदर दीनी प्रोग्राम, अखलाकियाती प्रोग्राम वगैरह ऐसे किए जा रहे हैं, और मज़ीद काम हैं मसाजिद की सफाई वगैरह के, और फिर मज़ीद काम भी हैं नौजवानों को जोड़कर उनमें उलमाए दीन के बातें और फिर अच्छे मोटिवेट वगैरह लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप भी ख़ुद इसमें ज्वाइन हो जाएँ और इसके साथ साथ में इसके खूब अपने दुआओं के ज़रिए से, अपने माल के ज़रिए से, अपने ज़र्रीन मशवरों के ज़रिए से इसका खूब इसमें मदद करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और साथ ही साथ हमारे स्पीड फेडरेशन को खूब कामयाब बनाए। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसे कि आप सभी लोग जब से सुनते आ रहे हैं कि पीस फेडरेशन क्या है और क्या क्या काम कर रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ तफसीली बोलना नहीं चाह रहा है। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इबादत से तो जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। तो जो है ना, खिदमत भी बहुत ज़रूरी है, इबादत भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें इबादत के साथ साथ खिदमत के जो खिदमत की लाइन से जो भी काम है, इससे ज़रूरी नहीं है कि कोई तंजीम हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारी एज छोटी हो या बड़ी हो, तो जो है ना खिदमत की लाइन से हमेशा आगे रहे, चाहे वो जिस लाइन की भी खिदमत हो। जैसे कि हमारे इस ग्रुप में भी बहुत सारे हम लोग काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग एक 10 सूरों के प्रोग्राम से शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आज लेडीज़ का मराकज़ निस्वां मुल्क के बड़े जो औरतें होते हैं उनकी तरबियती, उनके तालीम के लिए गौर व फिक्र करके किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ नौजवानों में दीन कैसे आए, दीन की बेदारी कैसे पैदा हो, नमाज़ों से खुलूस कैसा पैदा हो, और उनके अंदर इल्म की बहुत सारी कमी है, बेस नहीं है, हमारे दीन के बेस नहीं है। तो इस ताल्लुक़ से जैसे कि हमारे सदर साहब मस्जिद के बतए नायब सदर साहब, जैसे कि हमारे गुसूल देने के ताल्लुक़ से और नमाज़ के फ़राइज़ क्या है, वज़ू के फ़राइज़ क्या है, ये बहुत सारे चीज़ हमें सीखने चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर हम लोग इसका भी एक सिस्टम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर भी प्रोग्राम रखेंगे। और ख़वातीन के इस्तेमा रखे हम महल्ले में, हर जगह हर गली में रखे, और जो है ना राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत सारे गरीबों की शादियों में बिल्कुल जो हकदार है उनकी शादी में अपनी हैसियत के बराबर हम हिस्सा लिए हैं। और जैसे कि पानी पिलाने का काम है या टैबलेट्स का काम है, किसी मरीज़ का काम है, बहुत सारे मस्जिद की सफाई का काम है, और बिला किसी मजहब व मिल्लत के हम लोग हर मज़हब वाले के साथ बढ़ चढ़ कर ये काम कर रहे हैं। हमारी इस तंजीम में मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी खुशी और मसरत के साथ, हम कोई मुस्लिम ही इस तंजीम में नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सारे कास्ट के लोग इस तंजीम में हैं। हम लोग सब सारे मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरमा रहा है, जब कौम के किसी कौम का नौजवान जब खामोश बैठ जाता है और अपने आप के ऊपर कुछ नहीं करना चाहता, तो उसको अल्लाह ताला भी तबाह बर्बाद करता है। तो हर आदमी जस्तजू पैदा करे कि मेरे से क्या हो सकता है, ना कि तनखीद करे। आज कल इतना आम हो चुका है, बड़ा ज़बान उठा रहे हैं, तनखीद कर रहे हैं, फ़लाना वो कर रहा है, फ़लाने में वो गलती है, फ़लाना ऐसा है। बंद कर दो यार, ये तनखीद करना बंद कर दो और कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। खूबियाँ खामियाँ तो सब में होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की ज़रूरत है। मैं इसमें इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। टोटल 50 बच्चों का जो है ना यहाँ पे नमाज का पाबंदी का जो है मुकाबला रहा। गए साल भी जो है ना हम मुकाबले में जो है ना बच्चों को इनामात दिए थे, और इस साल भी उन बच्चों को इनामात दिए हैं। इंशाल्लाह बच्चे पाबंदी से
और तरीक़े से आते रहेंगे तो हम ये प्रोग्राम बराबर हर वो प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये हमारा मस्जिद का पूरे कमेटी के तरफ से हम जो है ना ये तय कर चुके हैं कि हर मामले को जो है ना हम इस तरीक़े से ले कर चल के इस महल की हम हिम्मत बढ़ाते हुए बच्चे और बड़े सब हम लोगों का साथ दिए तो हम ये प्रोग्राम बराबर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम जो है इस काम में जुड़ के काम करें तो फिर ये आने वाली नस्ल भी इस काम में हिस्सा लेते रहेंगे। अब मेरी ये गुजारिश है महल्ले के नौजवानों से और बच्चों से, अक्सर जो है हम मर जाने के बाद हमारे बच्चे जो है ना वो मैयत लेने के लिए दूसरों को जो है ना आके नीला बोल के बोलते हैं, वो काम हम उसको ख़त्म करके हम खुद जो है हमारे बच्चे हमारी मैयत को उसूल देने का तरीक़े से सिखाएंगे। ये हमारे मौल साहब का जो है ना हमारे यहाँ के काजिम साहब है और भी जो ज़िम्मेदार मौल साहब यहाँ मुकर्रर करेंगे उन मौलाना का काम ये है इस तरीक़े से हमारा ये रहबरी करने का और इसको हिम्मत अफजाई करना सबका एक काम है कि जो है ना हम उनको बुलाओ इनको बुलाओ नहीं करना चाहिए, अपने वालदेन की हम खुद मैयत निहलाने का काम जो है ये करना है। दूसरी बात ये है अक्सर लेडीज़ के लिए जो है ना बहुत सारी तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ को भी इंशाल्लाह लेडीज़ का जो है ना इज्तिमा हुआ था और मुमताज़ फंक्शन हॉल में, फिर भी मैं मौल साहब से गुजारिश करता हूँ ये काम को सिलसिला जारी रख के बच्चों को हिम्मत अफजाई करना ये हमारा और आपका फरीज़ा है। बस इतना कहते हुए फिर अच्छे काम में अपना हाथ करो भैया, ये भी शुक्र करो। हाँ, अब तीसरे नंबर की कामयाबी यानी जो 18 दिन में कम से कम 10 दिन की तो फजर की नमाज पढ़े हैं उनको तीसरे नंबर का प्राइज तीसरा इनाम दिया जाएगा। शेख फरहान, शेख फरहान।